तो अभी अभी इसमें दूध नहीं डाला अंकल, है ना। अभी 30 साल हो गए अंकल को यहाँ पे चाय बनाते हो, और ये कॉलेज रोड के बिल्कुल पास में जो देसी दूध की होती है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे जो व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम एक और जो है फूड व्लॉगिंग के लिए आए हैं रियासी में, और आज एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ की चाय जो है पूरे रियासी में क्या पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत फेमस चाय बनती है, मलाई वाली चाय बनती है रियासी में। और शाम के टाइम पे यहाँ काफ़ी लोग आते हैं और हम भी आ गए हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए, और इनके पास हम मैक्सिमम टाइम आते रहते हो। आज हम भी यहाँ पे चाय पीने के लिए आए हैं, तो आपको भी दिखाएंगे कैसी चाय बनाते हैं, आपको भी सजेस्ट करेंगे, और आप भी यहाँ पे ज़रूर आए कैमल डंगा में कॉलेज रोड पे, जो हॉस्पिटल रोड है वहाँ पे रियासी में ज़रूर आएँ और यहाँ की चाय को जो है एक बार टेस्ट करें। आप भी जो है इस चाय के दीवाने हो जाएंगे। काफ़ी जो अंकल हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी चाय बनाते हैं, तो आज हम भी यहाँ पे आए हैं, तो हम भी टेस्ट करते हैं आज फिर से, और फिर आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसी चाय बनती है। तो लेट्स गो। ये तो अभी अभी इसमें दूध नहीं डाला अंकल, है ना। अभी ये दूध नहीं डाला, अभी इसमें दूध डालना। ये जो चाय बन रही है, ये जो रियासी में सबसे मशहूर चाय यहाँ पे अंकल बनाते हैं। कितने टाइम हो गए अंकल आपको चाय बनाते हुए यहाँ पे? अंकल को लगभग काफी साल, अंकल की दाढ़ी देख रहे हैं वाइट हो गई है, अंकल की दुकानदारी 30 साल हो गए। 30 साल हो गए अंकल को यहाँ पे चाय बनाते, और मैक्सिमम रियासी में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने यहाँ पे जो चाय पीनी होगी। मलाई वाली चाय बनाते हैं यहाँ पे, और ये भी है, ये भी यहाँ के परमानेंट ग्राहक हैं। नहीं बहुत अच्छी चाय बनाते हैं अंकल, अभी हम भी टेस्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे कैसी चाय। ये जो है मेन जो शॉप का जो एड्रेस है, मेन जो फ्रंट व्यू है, बिल्कुल इसके अपोजिट साइड जो है ये कॉलेज रोड है, और ये जो है मैड प्रिज्म और हैप्पीनेस गैलरी, और ये कॉलेज रोड के बिल्कुल पास में जो ये शॉप है, चाय वाली शॉप। जब भी आप यहाँ आएंगे तो ज़रूर रामलाल एंड सन्स जो शॉप है यहाँ पे ज़रूर एक बार चाय यहाँ की टेस्ट करें। अभी जो हमारी चाय आ गई है मलाई मार के, देख सकते हैं आप मलाई इसमें डाली है, और मलाई थोड़ी सादी है। मलाई जो अंकल के पास वो हो गई है खत्म, बट तब भी उन्होंने जो मैनेज कर, हम लास्ट में यहाँ पे जो रश काफी होता है तो इसकी वजह से जो है मलाई जो है वो जल्दी खत्म हो जाती है। तो अंकल ऐसा क्या खास डालते हैं आप इस चाय में जो मतलब दूसरे लोगों से इस चाय को, जो बहुत सारी चाय बनती है लेकिन ये चाय जो है बिल्कुल जो अलग होती है, बस यही होता है ज्यादा, ये हाथों का कमाल है एक्सपीरियंस। देसी दूध की होती है ना, देसी दूध की चाय होती है मलाई मार के। जब भी आप यहाँ आए तो जरूर यहाँ की चाय। मैंने अपना बोला, मैं आया फिर क्या होगा, बोलना। आप क्या कहना चाहेंगे मुदस्सिर जी, आप क्या कहना चाहेंगे चाय के बारे में? देखो हम लगातार, हम जब भी ऑफिस से आते जाते हैं, हमारा काम न्यूज चैनल है, ऐसे न्यूज लाइक हमारा जो चैनल है, सभी लोग उसको फॉलो शेयर करें। समझ रहे हो आप? लेकिन जो अंकल की चाय हम स्पेशल पीने के लिए यहाँ पर आते, जब भी ऑफिस से आते जाते सुबह या शाम को, ज्यादातर शाम ही को पीते, तो थोड़ा माइंड पे दिमाग पे प्रेशर पड़ता है पूरे दिन न्यूज लगा के, उसके बाद हम थोड़ा रिलैक्स होने के लिए अंकल के पास जो मलाई वाली चाय पीने के लिए आते। लोगों को आप सजेस्ट करोगे? लोगों से यही सजेस्ट करते हैं कि जब भी आए रियासी में कैंबल डंगा इलाका मशहूर है, अंकल के पास आए, एक एक कप चाय पिए। उसके सामने ही मैं आपको बताऊँ मैड पिज्म भी है और गैलरी भी है साथ में, लेकिन मैड पिज्म में लोग पसंद नहीं करते, गजब बेइज्जती है। चाय के सामने जो ये चाय बनाते हैं अंकल, उनके हाथों में जादू है, क्या बात है। और चाय पीने के लिए आप क्या कहना चाहोगे? हम एक्चुअली ना आजकल हम थोड़ा कम आते हैं यहाँ पे, जब पहले कॉलेज खुले होते थे हम तो डेली यहाँ चाय चाय पीते जाते थे, कॉलेज में जब क्लासेस क्लासेस पढ़ते हैं हमें थोड़ा माइंड में प्रेशर आया था रिलैक्सेशन के लिए, मतलब सरदर्द की जो इलाज है ये चाय है। फाइनली जो है हमने चाय पी ली है, चाय बहुत टेस्टी थी, बहुत ही मतलब काफ़ी अच्छी चाय बनती है यहाँ पे। मैं आपको यही सजेस्ट करूँ जब भी आप आएंगे कॉलेज रोड हॉस्पिटल जो भी रियासी में, जब भी आप आएंगे तो कैमल डंगा में ज़रूर रुकें, और अंकल की शॉप राम राम पीछे देखो पीछे लाल एंड सन्स है मैड प्रिज्म के बिल्कुल अपोजिट में, तो ज़रूर यहाँ पे आएँ और यहाँ की चाय एक बार टेस्ट करें। और आप एक बार यहाँ की चाय पियोगे तो आप जरूर यहाँ की चाय के दीवाने हो जाओगे। हमारे मतलब आपको मत सिखा अंकल की चाय में, चाय बनाने में उनके हाथों में ऐसी कला है कि उनके चाय के दीवाने पूरी रियासी है इस टाइम पे। तो जरूर आए
और अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल फर्स्ट टाइम पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पे बने रहें और भी ऐसे व्लॉग्स के लिए, ट्रैवल व्लॉग्स और फूड व्लॉगिंग के लिए। तो मिलते हैं किसी नए सफ़र पे, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।